नमस्कार, आप देख रहे हैं लुक स्मार्ट। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। खड़गे अखिलेश की मुलाकात, आज तय करेंगे चुनावी रणनीति। केजरीवाल के आने का कार्यक्रम चला। यूपी की इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर कांग्रेस 17 सीटों पर तो सपा 62 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एक सीट तृणमूल कांग्रेस को दी गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को महाराजगंज व बांसगांव की सीटों पर चुनाव प्रचार किया था। दोनों सीटों पर जनसभाओं को संबोधित करने के बाद वह मंगलवार देर शाम लखनऊ आ गए। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पहली संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस बुधवार को लखनऊ के ताज होटल में रखी गई है। इससे पहले दोनों नेता बैठक में चुनावी रणनीति तय करेंगे। वहीं बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आने का कार्यक्रम फिलहाल टाल दिया गया है। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर कांग्रेस 17 सीटों पर तो सपा 62 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एक सीट तृणमूल कांग्रेस को दी गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को महाराजगंज व बांसगांव की सीटों पर चुनाव प्रचार किया था। दोनों सीटों पर जनसभाओं को संबोधित करने के बाद वह मंगलवार देर शाम लखनऊ आ गए। सुबह अखिलेश यादव के साथ उनकी मुलाकात तय की गई है। इस मुलाकात में दोनों नेता लोस चुनाव के बाकी बचे 3 चरणों के चुनाव प्रचार की रणनीति तय करेंगे। यूपी में खड़गे और अखिलेश की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। उत्तर प्रदेश में खड़गे व अखिलेश की बुधवार को पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इससे पहले बीते माह राहुल गांधी व अखिलेश की गाजियाबाद में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। राहुल और अखिलेश चुनाव प्रचार को लेकर अमरोहा, कन्नौज, कानपुर व झांसी में एक साथ मंच पर आ चुके हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लुक स्मार्ट।